करके मेरी मदद कर, निकाल मुझे यहाँ से। अरे कहाँ से निकालू मैं तुझे, कैसे निकालू, मेरे हाथ तो तूने काट दिए हैं। अब बिना हाथ के मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ मोहिनी? नहीं करूंगी मैं इसकी मदद, ये दुश्मन जो भी है मारा तो दोस्त ही लागे है। मरने तो इसमें सबको शांति मिलेगी। मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? मेरी परछाई को कैद कर कर मुझे शिकार बनाया है, मेरे ही दाने से मुझे फांसा है। किसकी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं जो मुझे चुनौती दे रहा है? महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई मोहिनी, तुम जंजीरों को तोड़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि मेरी परछाई के बिना मेरी शक्तियां कमजोर हैं। चुड़ैल को कमजोर देखकर जितनी खुशी हो रही है उतनी ही चिंता भी हो रही है कि ऐसा कौन पैदा हो गया है जो चुड़ैल के बुरे जादू को चुनौती दे रहा है। नाइमा का फोन आया था, तेरा शराब सच होने जा रहा था, तो कुहरसा को मारने वाला था, इसलिए मेरा फर्ज अदा करने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। आपको क्या लगता है बाबा, ये मामूली से खंजर से आप अपने प्यारे उसको वर्षा की जान को बचा सकते हैं? उसमें अभी भी जान बाकी है, मरा नहीं हूं मैं और ना ही मरूंगा, आप बस देखते जाओ। मुझे क्या हो रहा है, मैं बदल क्यों नहीं रहा? क्या किया आपने मेरे साथ, क्या किया आपने? पंडाज, क्या किया आपने? 100 सांपों के विष में भिगे हथियार से वार किया है मैंने तुम पर पंडाज। इससे ना कोई इंसान बच सकता है और ना कोई शेर। तेरे अंदर के शैतान को खत्म करने के लिए मैंने अपने बेटे को मार दिया। पंडराज, 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 पंडराज। पंडराज। मुझे माफ कर दो वनराज,
मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया वनराज। तेरे बचपन में मैंने दाई माँ को दिया हुआ वादा सिर्फ इसीलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा तू बड़ा होने के बाद तेरे अंदर के इस शैतान को मैं पनपने ना दूंगा। अपनी परवरिश अपने संस्कारों के बल पर उस शाप को मैं पलट दूंगा। लेकिन मैं हार गया बेटा। अगर हो सके तो तुम्हारे इस मजबूर बाप को माफ कर देना बेटा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटा, तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अगर मारे वनराज को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी जीना छोड़ दूंगी। मैं मारे वनराज के बिना नहीं जी सकती। वनराज उठ, वनराज वनराज मार को छोड़ के ना जा सकता। वनराज दादा जी मैं बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूं थारे पर एक आज भी रियादी दूंगी। दादा जी मैं ठीक हूं ना? हाँ ठीक हूं। थैंक यू, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। थैंक यू। वो तुम्हारा फर्ज था राधा जी। अब भूल जाइए ये सब। थारे को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ थारे लिए। रुको काली जी। तुम उस आदमी को कैसे जानती हो? उसने क्यों मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बोलो। वनराज मन ने माफ कर दे, इस बार सच्चे वाले शिवजी जी की कसम थारा पीछा ना करूंगी। मन ने मत मार। तुझे क्यों मारूंगा मैं पगले? तूने तो मेरी जान बचाई है ना, वरना हर कोई मेरी जान के पीछे पड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं है मेरा, ना मेरा परिवार ना मेरा प्यार, कोई भी नहीं। और तुझे तुझे तो बहुत फिक्र है ना मेरी? हाँ, क्योंकि मैंने इस बार शिवजी जी को पक्के वाली कसम दी थी कि उन्हें थारी जान बख्शनी पड़ी। मुझे तेरे प्यार ने नहीं, मेरे प्यार ने बचाया झुमरी, मेरी सिया ने। तू तो सिर्फ उस तक पहुंचने का मोहरा बनेगी अब। तू अटे रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अनजाने में ही सही। और अपनी जिंदगी का ये धागा देकर तुमने ये साबित कर दिया सिया
कि हमारी किस्मत में एक होना लिखा है। हमारा प्यार इतना सच्चा है सीना कि हम चाहकर भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया हमारे प्यार के दुश्मन है, ये हमें एक नहीं होने देगी। हमारे प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे पापा, जिनको मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। उसके बाद राणा और फिर ये झुमरे। इन तीनों को खत्म करने के बाद हमारे प्यार के कांटे खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता सिया। तुमसे मेरी हो तुमसे मेरी हो सिया। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? सुशी पागल, ये सोच रहा हूँ कि तेरा प्यार कितना सच्चा है ना चुंडी। तू मेरा एक काम करेगी? तो तुम मुझे नहीं बताने वाली हो? दादाजी, इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो हर कसम हर रिश्ते से ऊपर हो गए, वादे जाहिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तुम एक ऐसे इंसान को जिसने अपनी दोस्ती के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह रख दी, उसे ही पाठ पढ़ा रही हो। काली, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो राज है, तो अपना राज अपने पास रखो, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रामू जी, मेरी बात समझ नहीं समझना कुछ भी, ना कुछ समझना ना कुछ सुनना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा राज इंपॉर्टेंट है ना, अपना राज अपने पास रखो, मुझे जाओ यहां से। चुड़ैल को क्या हो गया है? काली, माया, सब बाहर आओ। ये सवाल मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, इसलिए इज्जत से बता दो कि मेरी परछाई किसने कैद करके रखी है। तू मेरी नजर पट्टू है, मुझे बहन बोल बोल के मुझे गले लगाया और मेरे पीठ पर ही छुरा भोंक दिया तूने। तुझे क्या लगा तू मोहिनी को छलेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बता कहां कैद करके रखी है मेरी परछाई? बोल कौन कौन मिला है तेरे साथ इसमें? अरे नाना मोहिनी जी, थारी को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो थारी पक्की वाली वफादार हूँ, मैं थारे साथ गलत कैसे कर सकूँ? ये सब सोचने से पहले मारे को मौत ना आ जाए, मारी तो कोई दुश्मनी भी ना दी थारी परछाई से। मारे में तो इतना दम भी कोनी कि मैं थारी छाया को काबू कर सकूँ। मोहिनी जी, मैंने कुछ ना किया। मोहिनी ये ठीक कह रही है, ये लड़की एक ग्लास कायदे से उठा नहीं सकती, तो तेरी परछाई को क्या कैद करेगी? तो फिर कौन है वो धोखेबाज? राणा,
कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? पागल वागल तो नहीं हो तुम? अगर हो तो जाके अपना इलाज करवाओ। कुछ ऐसा ही है, तुम्हारी फेवरेट मदिरा को जो मार दिया। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें मुझ पर। हाँ आया गुस्सा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह गुस्से में दानव नहीं बन जाता। खुद पे कंट्रोल है मुझे, और वैसे भी मोहिनी वो तुम्हारी परछाई थी, तो जो वादा मैंने तुमसे किया है वो उस पर भी लागू होता है, तो उसकी रक्षा मैं करूंगा, चिंता मत करो तुम। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई। तो जो कोई भी है ना राणा, वो नहीं बचेगा। सुन, माहौल बहुत गर्म है, निकल जाए यहां से। तू कहां बच के चली? अरे मोहिनी जी, ये क्या कर रहे हो थे? माया जी के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है के? हाँ? अपना गुस्सा शांत करने के लिए बाकी जान क्यों ले रहे हो थे? तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? थारी सच्ची शुभचिंतक। अरे मोहिनी जी, अगर थे ऐसे सबको मारते रहोगे तो एक दिन खुद अकेले पड़ जाओगे। मारे से ना थारी ऐसी हालत देखी ना चाह रही है, घड़ी फिक्र हो रही है मारे को थारी। अरे हम सब मिलके ढूंढेंगे ना थारी परछाई को। हाँ चुड़ैल की शक्तियां जिसे नहीं ढूंढ पाई उसे तो क्या खाक ढूंढेगी। थैंक यू काली, आज तूने मेरी जिंदगी बचा ली। ये तुम्हारा फर्स्ट था माया जी, है हमारे दोस्त जो बन चुके हो। उम्मीद करती हूँ कि अब थारे को हमारे पे भरोसा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट आज तक मेरी लाइफ में जो मोहिनी की इम्पोर्टेंस थी वो अब तुम्हारी है। उसने मुझे शक्तियाँ दी हैं, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दी है। ना ना माया जी, ये तो थे बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। वैसे अगर थे मने इतना ही मान दे रहे हो तो मने एक बात सच सच बताइए, मोहिनी जी की परछाई थारे पास है? नहीं नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो उसे इतना बड़ा पंगा लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम जाओ, जाके आराम करो। थैंक यू। अगर माया ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो मोहिनी के साथ दुश्मनी लेने की हिम्मत कौन कर सकता है? एक सेकंड। सपनी, ये डिटेक्टिव गिरी शुरू करने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। हाँ? चलो मेरे साथ। उसकी उम्मीदों का हौसला तो देखो, बर्बाद उसे करने चला है जिसने तबाही का नाम रखा था। पर है कौन ये इंसान जो अपने ही जान लेने पर तुला है? मेरी छाई की आवाज है। ये जो कोई भी है मेरे साथ खेल रहा है। तो
मेरे ही बिसात पर मेरे मोहरे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये चाल। ये जो कोई भी है इसे लगता है कि ये मेरे साय को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, वो ये नहीं जानता मोहिनी के लिए खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका साया भी नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कमजोर करे मैं अपने साये को मार डालूंगी और फिर उसे